कि जो प्रधान थी वो महिला थी, लेकिन जब मैं स्पॉट पे गई और मैंने प्रधान के लिए पहले सूचना भिजवा दी कि प्रधान को साइट पे वो उपस्थित हों, तो वहाँ पे उनके हस्बैंड या फिर उनकी फैमिली का कोई एक मेंबर होता है, जो एक्चुअल प्रधान लेडी है वो नहीं होती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा उनको उस समय बोलें कि आप अगले दिन ब्लॉक ऑफिस आइए, वहाँ पर जो महिला प्रधान होती है उनको प्रेरित करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं और आपको इन सब जगहों पर स्वयं उपस्थित होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा मैसेज जाता है, अलग अलग तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दिव्या मिश्रा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2021 बैच, उत्तर प्रदेश कैडर ऑफिसर। करेंटली आई एम अंडर ट्रेनिंग इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट एज असिस्टेंट कलेक्टर एंड असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, इन शॉर्ट एन IAS ऑफिसर, जस्ट राइट आफ्टर द लवासना हु इज इन द फील्ड एंड स्टिल अंडरगोइंग द ट्रेनिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ अ टिपिकल डे इन द फील्ड लुक्स लाइक। सो टुडे आई स्टार्टेड माई डे अराउंड 6 AM and after that some time is spent at home playing with the cats and normal routine, tea or coffee, breakfast, and after that we get ready for the office. Office generally idea rehta hai ki hum pahunch jaye 10-10:30 ke beech mein, par kabhi kabhi agar koi quick meeting hai ya fir kuch case aa gaya jisme turant ja ke dekhna hai to jaldi bhi jana padta hai. Because as such there is no office time per se, it is 24/7. So today I have few visits planned for me, जो मैं देखना जाना चाहती हूँ, कुछ सरप्राइज हैं, कुछ रूटीन विजिट्स में आते हैं मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने चार्ज लिया हुआ है वीडियो का, और इसके अलावा नॉर्मल ऑफिस रूटीन रहता है। सो सबसे पहले मैं ऑफिस में गई, वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके जो भी इश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रधानमंत्री आवास योजना देख रहे हैं, तो उसमें जो लाभार्थी हैं जिनको अपात्र कर दिया जाता है उनको ग्रीवेंस होता है, और जो पात्र होते हैं और शायद जेन्युइनली पात्र नहीं होते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स आती हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं। MG नरेगा से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं जिसमें कई बार काम गलत तरीके से करवाया जा रहा होता है, तो जो इस समय गाँव में जो प्रधान होते हैं उनके विपरीत पक्ष जो हैं वो लेकर के आते हैं एप्लीकेशंस, तो उनमें फील्ड में जा कर के ऑन द स्पॉट देखना होता है कितना सही है। गांव में बहुत सारे रोड्स होते हैं उनको लेकर के विवाद होते हैं, कुछ लोग जो सरकारी ज़मीन है उस पर अपना कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और फिर बाद में जब रूरल रोड से चक रोड बनानी होती है उसके लिए गवर्नमेंट को वापस वो लैंड चाहिए, इससे जुड़ी हुई एप्लीकेशन। सो वी लिसन टू द एप्लीकेशंस एंड मीन वाइल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूटीन ऑफिस वर्क विच गोज़ ऑन, एंड एक डाक होती है जो कि करस्पॉन्डेंस होता है विद इन द ऑफिस जो कि होता रहता है, उसको भी हम देखते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं हर पेपर को, कि हमारी जो नीचे की हायरार्की है उसमें कौन सा पेपर किसके पास जाना चाहिए। कुछ इंक्वायरीज़ चल रही होती हैं जिसमें हम मेंबर्स होते हैं, तो इन इंक्वायरीज़ की जो भी ड्यू डेट्स मेंशन होती हैं उसमें चीज़ों को टाइम पर कंप्लीट करना, तो ये सारा ऑफिस में जब हम अपने डेस्क पे होते हैं वो काम रहता है। इसके अलावा दूसरा हमने जो इनिशिएटिव्स लिए होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ऑफिस में मैं ब्यूटिफिकेशन करवा रही हूँ कि वहाँ पर एक पार्किंग होनी चाहिए, या फिर देयर शुड बी सम एरिया विच इज़ डेडिकेटेड टू वन SHG हु इज़ रनिंग द कैंटीन इन माई ब्लॉक ऑफिस, वो हो गया, या फिर इफ़ आई एम लुकिंग आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सामुदायिक शौचालय इन माई ब्लॉक ऑफिस, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम थोड़ा अपना टाइम देते हैं, बिकॉज ये हमने इनिशिएट किए थे उसमें हम ही सबसे ज़्यादा पुश करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होगी। और उसके बाद फिर हम फील्ड में बहुत सारे काम होते हैं उसके लिए निकलते हैं। तो आज मैं सबसे पहले गई थी गौशाला में, गौशाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कैटल्स होते हैं काफ़ी बड़े नंबर में, और कई बार क्या होता है कि जो विलेज में लोग होते हैं वो अपने कैटल्स जो अनप्रोडक्टिव हैं अब उनको गवर्नमेंट का बर्डन समझ करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। कई बार लोग गुस्से में होते हैं क्योंकि उनके कैटल्स को दूसरों के कैटल्स उनके जो खेत हैं उनकी जो फसल है उसको ख़राब कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली कोई कुछ भी करे बट द अल्टीमेट आंसरेबिलिटी, the ultimate accountability is that of government, that means us. तो फिर हम उन सारे situations कहीं law and order situation में वो convert ना हो जाएँ, कहीं इस तरह का कुछ issue ना बने, उसको हम देखते हैं तुरंत जा कर के मौके पर उसकी जाँच पड़ताल करते हैं। मैं आज जिस गौशाला में गई थी उसकी मुझे 2-3 applications complaint की मिली हुई थी पहले, जिसको redress कर दिया था, लेकिन अभी फिर से एक oral complaint आई थी तो मैं उसी को देखने के लिए जा रही थी। कंप्लेंट ऐसी है कि शायद कैटल को खाने के लिए भूसा नहीं है, या फिर कोई जानवर है जो थोड़ा सा बीमार है,
उसकी केयर प्रॉपर नहीं हो रही है या फिर जो फेंसिंग है वो नहीं है, इस तरह के इश्यूज़ रहा करते हैं। तो वो देखने के लिए जाते हैं, जनरली वहाँ पे स्टाफ से बात करते हैं, उनका मोराल चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, और जो योजना है अलग अलग तरीके से फंड्स जो हैं उनको पूल करके कैसे उस गौशाला में क्या प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ से फ़ंड लेकर के आना है, उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे आज एक प्रॉब्लम मैंने देखी कि एक काउ थी, वो काफ़ी बीमार थी और उसको काफ़ी इंजरीज थी। अब शी वॉज़ वेरी एक कॉर्नर में चुपचाप थी एंड शी वॉज सुस्त थी थोड़ी। तो अब मैंने वही देखा कि जो ऐसे कैटल हैं, जो ऐसे जिनको बीमार हैं, जो बहुत मूव नहीं कर रहे हैं और जिनको खतरा है कि दूसरे आके ना उन पर अटैक कर दें, तो इस तरह के लिए हमें एक अलग से बाड़ा बनाना चाहिए जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। बैम्बू वगैरह का यूज़ करके टेम्प्ररी शेल्टर बनाया जा सकता है और थैश रूफ के साथ, इस तरह के कुछ नॉर्मल सोल्यूशन जो रिसोर्स एफिशिएंट हो, जिसमें अलग से पैसा ना यूज़ हो, ऐसा क्या करते हैं। फिर गौशाला के बाद नेक्स्ट विज़िट थी मेरी एम जी नरेगा साइट की। वहाँ पर जा कर के मैंने ये देखा सबसे पहले कि जितने लोग इनरोल्ड हैं उस मस्टर रोल में, कि अगर इसमें लिखा हुआ है 26 वर्कर्स विल बी ऑन द साइट, तो क्या 26 वर्कर्स हैं। एक NMMS ऐप है जिसके थ्रू अटेंडेंस लगनी चाहिए, दो टाइम, दो स्लॉट्स में काम होता है, मॉर्निंग इवनिंग। तो क्या उन दोनों में उसमें अटेंडेंस लगी हुई अच्छे से, जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं क्या उनके जॉब कार्ड्स में उनका नाम मेंशन है। तो इस तरह के टेक्निकल डिटेल्स होते हैं रोजगार सेवक को ले जा करके, जो एम जी नरेगा के टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं और जो असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, इसी पूरी टीम जा करके अकेले भी जा करके हम इंस्पेक्ट करते हैं कि जो काम है वो कितना सही कितना गलत हो रहा है। जैसे अभी आज जहाँ गए थे वहाँ पता चला कि 3 वुमेन और 1 मैन, तो 4 लोग वहाँ पे वर्क साइट पे नहीं थे। कोई बहुत वहाँ पे सही उसका रीज़न नहीं दे रहा था, लेकिन ये एक खामी नज़र आई थी वहाँ पे। अब एम जी नरेगा साइट को देखने के बाद नेक्स्ट मैं जा रही हूँ पंचायत भवन देखने के लिए। वहाँ पे पंचायत भवन का पूरा निरीक्षण ऐसे करते हैं कि उसके आसपास जो लैंड है वो कितना अच्छे से ग्रो किया हुआ है, कुछ वहाँ पे ग्रीनरी है क्या, वहाँ पे एक्सेस का जो रास्ता है वो इंटरलॉकिंग या रोड से है, वहाँ पे हर चीज़ का एक कक्ष होना चाहिए, जैसे कि जहाँ पे पंचायत सहायक बैठ सकें जो कि लोगों की मदद करते हैं अलग अलग सर्टिफिकेट्स वगैरह के प्रिंट आउट लेने में, या फिर आशा ANM का कक्ष होता है जहाँ पे उनको वीक में 1 या 2 बार जो भी उनके रोस्टर में है उसके हिसाब से आना चाहिए, वो वहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। और एक सचिव का कमरा होता है, एक प्रधान का होता है, एक मीटिंग हॉल होता है जहाँ पे खुली बैठक होती है पंचायत की। जनरली इसकी फ्रिक्वेंसी मंथली होती है, पर हमने कई बार देखा है कि वो मंथली नहीं हो पाती है। तो हम इस तरह जाकर के निरीक्षण करते हैं, बात करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो खुली बैठकों में हिस्सा लें। एक बड़ी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम देखी मैंने अभी तक, 3-4 साइट जो देखी उनमें ये थी कि जो प्रधान थी वो महिला थी, लेकिन जब मैं स्पॉट पे गई और मैंने प्रधान के लिए पहले सूचना भिजवा दी कि प्रधान को साइट पे वो उपस्थित हों, तो वहाँ पे उनके हस्बैंड या फिर उनकी फैमिली का कोई एक मेंबर होता है, जो एक्चुअल प्रधान लेडी है वो नहीं होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम डेली देखते रहते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा उनको उस समय बोलें कि आप अगले दिन ब्लॉक ऑफिस आइए, वहाँ पे जो महिला प्रधान होती है उनको प्रेरित करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं और आपको इन सब जगहों पर स्वयं उपस्थित होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा मैसेज जाता है, अलग अलग तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं। पंचायत में खुली बैठक में जब हमने अटेंड की तो वहाँ पे सारी समस्याएं लोगों की सुनी। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ये थी कि वो जो गांव था वो छोटा था और वहाँ पे जो एम जी नरेगा के काम हैं वो वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण रोज़गार क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो हमने उसके सोल्यूशंस को, जो एम जी नरेगा की हमारी सेल देखते हैं असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर जिनको APO कहते हैं, उन्होंने कुछ उसके ऑन द स्पॉट सोल्यूशन दिए। बाकी इसके अलावा ओवरऑल हमने उनसे ये कहा कि आप कल ब्लॉक ऑफिस आ जाइए और वहाँ पे हम बैठ के आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ताकि आपके गांव में लोग इस सुविधा से, इस अपॉर्चुनिटी से वंचित ना रहें। इसको देखने के बाद हम चले गए नवोदय विद्यालय में, जो कि मेरा आमा मैटर है। मैं नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से पढ़ी हुई हूँ, हम हरदोई में कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ माई डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग। वहाँ पर बोर्ड स्कूल्स के बच्चों से बात की, ग्रेड 10th और ग्रेड 12th के, उनके एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, तो उनको मोटिवेट किया, उनकी प्रॉब्लम सुनी। वहाँ पे एक टीचर की कमी थी, फिज़िक्स टीचर की, 12th के बच्चों में, जिसकी वजह से पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज काफ़ी ड्रॉप हो गया था। तो उसके लिए रिसोर्सेज की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से कम टाइम स्पैन में कोई आ करके उन बच्चों को अलग से रिमीडियल एजुकेटिव कंटेंट के फॉर्म में या गाइडेंस के फॉर्म में हेल्प कर सके। तो इस तरह से नाउ आई विल बी टॉकिंग टू सम पीपल ऑन फ़ोन कि वहाँ पे फिज़िक्स टीचर वहाँ पे पहुँच जाएँ जल्द से जल्द। तो इस तरह का पूरा
इंगेजमेंट रहा पूरे दिन का, और इसके बाद हम लास्ट में गए एक अपनी वाटिका देखने के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट का एक इनिशिएटिव है। जैसे सिटीज़ में लोग पार्क्स जाते हैं, जैसे गाँव में डिस्पाइट ऑल दी ओपन एयर, फ्रेश एयर, खेत हैं, सब कुछ है, बट लेट देयर बी अ पार्क, जिसको हम अपनी वाटिका कह रहे हैं, जिसकी कम्युनिटी ओनरशिप होगी, जिसको लोग खुद डेवलप करेंगे, बनाएंगे। तो ये जो हम अपनी वाटिका में गए, ये एक साल पहले ही बनी है, और आप देख सकते हैं इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, सोलर लाइटिंग है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए वो दिख नहीं रही है, पूरा अंधेरा है, पर अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी, स्पेशली इन द डे लाइट एंड ऑल्सो एट द नाइट। इसमें लोगों की ओनरशिप दिखती है, लोगों की बिलोंगिंगनेस दिखती है, वो बड़े प्राउड के साथ बताते हैं कि हमारी वाटिका पूरे ज़िले में फर्स्ट है। और हम इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस इसलिए चाहते हैं कि हम दूसरे गांव में भी जाके बोलेंगे कि आप इस गांव की अपनी वाटिका का मॉडल जो है, इसको आप फॉलो करिए और इससे भी बेटर कुछ बनाइए। थ्रू आउट इंडिया यही रहता है कि अच्छी प्रैक्टिसेस को देखा जाए और ये नॉलेज सब में डिसमिनेट किया जाए एज फास्ट एज पॉसिबल। सो जनरली जो मैंने कहा था, कोई ऑफिस टाइमिंग एज सच नहीं होते हैं, वी ट्राई टू बी एट आर डेस्क, पर फील्ड में जब हम होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है फील्ड में जाना और वहाँ जा कर के चीज़ों को इंस्पेक्ट करना। क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आते हैं, तब नए नए आइडियाज़ क्लिक करते हैं उस एक ग्रुप थिंकिंग में। तो जैसे कि अभी जब हम अपनी वाटिका ही गए थे, तो इट वॉज 7:30 PM अराउंड, सो देर इज़ नो टाइम एज सच कि कितने बजे हमारा ऑफिस या वर्क का टाइम ख़त्म होगा। इट कैन बी एट एनी टाइम एनी वेयर विद इन योर ज्यूरिसडिक्शन। सो दिस इज़ हाउ द टिपिकल डे looks like, apart from when there are no elections or other things. When they happen, the schedule also undergoes a change. So this is what I talk about, diversity of experiences, not just in terms of different fields, but also in terms of different timings, different work nature. So this is what it all provides for. And I hope is pure mere din ke tour ke through bahut sare logon ko ye cheez clear hui hogi ki typically जब एक आईएएस ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में होता है तो वो क्या क्या करता है। एंड आई होप दिस वॉज बेनिफिशियल टू यू, इट हेल्प्ड यू क्लियर सम मिथ्स अराउंड द आइडिया ऑफ इट। एंड विद दिस माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।